हेलो एवरी, वेलकम टू ऑल। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटेरियल साइंस के टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मेटेरियल की। लेकिन इससे पहले हम इंजीनियरिंग मेटेरियल की बात करें, हम जान लेते हैं कि मेटेरियल क्या होता है। और मेटेरियल क्या होता है उसको जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए मैटर क्या होता है। एक टर्म हमारी होती है मैटर। मैटर का क्या मतलब है? मैटर यानी एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस। ठीक है, यूनिवर्स में जो भी चीज है जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, घेर रहा है, जिसमें अपने आप में कुछ मास है, जो विजिबल है, जिसको हम देख सकते हैं, वो मैटर कहलाता है। ठीक है, वो क्या है? मैटर। उसमें सभी चीज आ जाती है, इंसान, जानवर, पहाड़, पेड़ पौधे, नदी, तालाब, ठीक है, सब चीज आपकी किस में आ जाती है? मैटर में। यूनिवर्स में जो भी चीज अवेलेबल है, कुछ मास है जिसमें जो जगह घेर रहा है, ठीक है, जो भी हम देख सकते हैं वो सभी चीज हमारे लिए क्या होती है? मैटर। इसके साथ बात आता है मैटेरियल। यहां पर मैं सिर्फ सिंपल मैटेरियल की बात कर रहा हूं, ठीक है। इंजीनियरिंग मैटेरियल की बात हम बाद में करेंगे। जब हम बात कर रहे हैं मैटेरियल की, तो मैटेरियल कोई भी ऐसा मैटर जिससे हम कोई यूजफुल प्रोडक्ट बना पाए। ठीक है, मैटेरियल क्या होगा? कोई भी ऐसा मैटर जिससे हम कुछ भी यूजफुल प्रोडक्ट बना पा रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन प्रोडक्ट कैसे वाला? यूजफुल, किसी ना किसी काम आ रहा है। ठीक है, अब देखो, अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं। अगर आप फूड इंडस्ट्री की बात करेंगे तो फूड इंडस्ट्री के लिए जो मेटेरियल होगा वो क्या हो सकता है? अगर मान लो चिप्स बना रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई इंडस्ट्री है, वो चिप्स बना रही है, तो उसके लिए मेटेरियल क्या होगा? आलू। ठीक है, और जो वो मसाले स्पाइस जो वो यूज कर रहे हैं वो सारे, उनके लिए क्या होंगे? मेटेरियल। तो उनके लिए आलू क्या हो गया? ठीक है, समझ गया, उनके लिए मेटेरियल क्या हुआ? आलू। आइस फैक्ट्री है, वहां पर बर्फ बन रही है, उनके लिए क्या होगा? पानी। यानी अलग अलग नॉर्मल, अगर यहां पर नॉर्मल हम मेटेरियल की बात कर रहे हैं, नॉर्मल लाइफ की बात कर रहे हैं, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही स्टेट में अवेलेबल मैटर हमारे लिए क्या हो सकते हैं? मेटेरियल हो सकते हैं। डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन वो क्या बना रहे हैं, उनके लिए वो किस चीज को बनाने में यूज हो रहा है। लेकिन जब बात आ रही है इंजीनियरिंग मेटेरियल की, तो ये चीज आप याद रखना हमेशा, इंजीनियरिंग मेटेरियल का मतलब सॉलिड। ठीक है, जो भी मेटेरियल आपका यूज हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट में होगा। अब आप कहोगे कि जब हम कास्टिंग करते हैं तब तो हम मेटेरियल को मेल्ट करते हैं पहले, और उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको ये चीज जानने की जरूरत है, यहां पर जो हम बात कर रहे हैं सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और सॉलिड स्टेट भी कैसा, किस स्टेट में हमारा वो मेटेरियल स्टेबल है। ठीक है, यहां पर जो हमारा मेटेरियल हम यूज करते हैं, जो टर्म यूज कर रहे हैं सॉलिड स्टेट, वो इस फॉर्म में यूज कर रहे हैं कि हमारा मेटेरियल स्टेबल कंडीशन में किस में है। आपने स्टील को, आयरन को, एल्यूमिनियम को, किसी को भी आपने मेल्ट किया कास्टिंग करने के लिए, कास्टिंग आप करोगे, मेल्ट करोगे, आपने उसको रख दिया, वो धीरे धीरे सॉलिडिफिकेशन की वजह से क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा, स्टेबल नहीं है, लिक्विड कंडीशन में स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक, मेटेरियल आपका किस में आ जाना है? सॉलिड फॉर्म में ही आना है। तो यहां पर जो स्टेट की बात हो रही है वो हो रही है जिसमें नेचुरली वो मेटेरियल अवेलेबल होता है नेचर में। अगर हमारा आयरन की बात करें, ठीक है, नेचुरली वो किस फॉर्म में अवेलेबल है, या आप कह सकते हो कि नेचुरली वो किस स्टेट में स्टेबल रहता है, विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क और विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो कौन सा होगा? सॉलिड स्टेट होगा। ठीक है, यहां तक का आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहले हमारा जो इंजीनियरिंग मेटेरियल में टाइप आता है वो आता है मेटल्स। मेटल्स की जब हम बात करते हैं तो नीचे का आप अभी मत देखिएगा, अभी ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, मेटल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो मेटल्स कौन से होते हैं? मेटल्स वे होते हैं जिसमें आपका कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, मेटल्स में कंडक्टिविटी सबसे
ज्यादा होती है। किस तरह की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा हो सकती है? आपका थर्मल कंडक्टिविटी होगी, आपकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होगी, आपका मैग्नेटिक कंडक्टिविटी होगी, यानी मैग्नेटिक जो फ्लक्स जनरेट हो रहा होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो वो आपका कौन सा होता है? हमारा मेटल। ठीक है, मेटल में हमारा जो कंडक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा होती है। जबकि नॉन मेटल की अगर बात करें तो नॉन मेटल में जो हमारी कंडक्टिविटी होगी वो नहीं होती, यानी कि जो हमारे नॉन मेटल हैं वो हमारे वर्क करते हैं एज अ इंसुलेटर। ठीक है, ये ना आपका इनमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, ना आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, ना ही इनमें थर्मल कंडक्टिविटी होगी। मेटल और नॉन मेटल कैसे आप डिफरेंस कर पाएंगे? अगर आपको आपने टेस्ट किया है, कंडक्टिविटी आपको पता है, तो आप इजीली कर पाओगे। मेटल्स में जैसे मैंने आपको बताया थर्मल, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंडक्टिविटी होती है, जबकि नॉन मेटल में ये नहीं होगा। एक हमारा ग्रेफाइट ऐसा मेटेरियल होता है, नॉन मेटल होता है, जिसमें कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे, कॉम्पिटिशन में भी ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या ग्रेफाइट मेटल है या नॉन मेटल है। ठीक है, आपको ये याद रखना होगा। मतलब क्वेश्चन अलग अलग तरीके से हो सकते हैं कि आपका ये ग्रेफाइट को लेकर क्वेश्चन अगर आ रहा है तो ये हो सकता है कि ग्रेफाइट आपका मेटल है या नॉन मेटल है, या ये हो सकता है कि ग्रेफाइट में आपकी कंडक्टिविटी होती है या नहीं होती है। ठीक है, करंट आपका पास होता है या नहीं होता है, इस तरह की आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ग्रेफाइट आपका एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जिसमें आपकी कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी रहती है। बाकी सभी आपके जो नॉन मेटल्स हैं उनमें कोई इलेक्ट्रिक, थर्मल या मैग्नेटिक कंडक्टिविटी नहीं होती, ये चीज आप याद रखना। दूसरा, जो मेटल और नॉन मेटल है, मेटल और नॉन मेटल को जब आप डिफरेंस देखोगे तो क्या होगा? एक आपको मैंने डिफरेंस बता दिया जिसमें आप कंडक्टिविटी के थ्रू आप कंसिडर कर पा रहे हो, देख पा रहे हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ विजुअलाइजेशन के थ्रू कंपैरिजन करना, आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, आप नहीं चेक कर सकते हो कि ये इनमें कंडक्टिविटी हम चेक कर लें, आपको जस्ट विजुअलाइज करना है, यानी आपको आंखों से ही मालूम करना है, तब आप कैसे करोगे? तो जो मेटल्स होते हैं उनमें जो शाइनिंग होती है, चमक जो होती है वो ज्यादा होती है, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं बेसिकली वो अगर आप उनको स्पेशली ट्रीटेड ना करें तो जो मेटल नॉन मेटल है वो आपके नॉन शाइंड होते हैं। ठीक है, मेटल्स में शाइनिंग होती है जबकि नॉन मेटल में आपकी शाइनिंग नहीं होती है। ठीक है, अब मेटल्स पर आते हैं। मेटल्स आपके दो टाइप के होते हैं बेसिकली, फेरस और नॉन फेरस। पहले बात करते हैं फेरस की। ठीक है, फेरस मेटल की जब हम बात कर रहे हैं तो फेरस मेटेरियल का मतलब है कौन से फेरस मेटेरियल होते हैं जिसमें आयरन और कार्बन की परसेंटेज अवेलेबल होती है। फेरस कौन से होगा जिसमें Fe और कार्बन आपका क्या होगा, अवेलेबल होगा, वो आपके कौन से कहलाएंगे, फेरस मेटेरियल। ठीक है, जिसमें आयरन मेन कंपोनेंट होता है और साथ में आपका कार्बन भी होता है। कार्बन की परसेंटेज कम ज्यादा हो सकती है लेकिन आपका आयरन का जो कंपोनेंट है वो होना ही होना है। बेस कंपोनेंट जो होता है वो क्या होगा, आयरन। तो आयरन और कार्बन जिस मेटेरियल में अवेलेबल होंगे, जिस मेटल में अवेलेबल होंगे वो कौन सा कहलाएगा, फेरस। बेसिकली ये कौन से होते हैं, स्टील और कास्ट आयरन। ठीक है, इसमें आपको बुक में क्लासिफिकेशन में ये भी मिल सकता है कि स्टील में आपका दे दिया हाई कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील। ठीक है, तो वो स्टील के ही पार्ट्स होते हैं या स्टील का ही क्लासिफिकेशन होता है, तो आप केवल स्टील और कास्ट आयरन यहाँ पे लिख देंगे वो भी सफिशियंट है, क्योंकि वो आपके सारे फिर आप आयरन में, कास्ट आयरन में फिर आप और आगे कर सकते हैं, ग्रे कास्ट आयरन, रोट आयरन, पिग आयरन, उन सब चीजों की जरूरत नहीं है, वो सारे ऑटोमेटिकली हैं। अगर आपने यहाँ पे स्टील और कास्ट आयरन लिख दिया तो सफिशियंट है। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी कि स्टील के जितने टाइप होंगे वो सारे ऑलरेडी इसमें यानी है, कास्ट आयरन के, आयरन के जितने आपके जो क्लासिफिकेशन होगा वो सारा भी किसमें जाना है, फेरस में। बेसिकली आपको रटना नहीं है, आपको समझना है, याद रखना है कि अगर मेटेरियल में आयरन और कार्बन आ रहा है, इनके कंपोनेंट है, तो वो क्या होगा, फेरस में जाएगा। ठीक है, नॉन फेरस की बात करते हैं। नॉन फेरस यानी कि अब पता चल गया होगा, जिसमें मेन कंपोनेंट हमारा आयरन और कार्बन ना हो।
आयरन और कार्बन के अलावा जो आपके कंपोनेंट आ रहे हैं वो हमारे कहलाते हैं नॉन फेरस मेटेरियल। ठीक है, दोनों में सेम कंडक्टिविटी आपकी रहने वाली है, लेकिन अंतर क्या हुआ, फेरस में आयरन और कार्बन आया जबकि नॉन फेरस में हमारा आयरन और कार्बन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये चीज आप याद रखना, आयरन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल आपका क्या हो गया, एल्यूमिनियम, कॉपर, टिन, जिंक, निकल, मैग्नीशियम, ये सारे हमारे क्या हो गए, ठीक है, एग्जांपल हो गए नॉन फेरस के। ये इनके अंदर का जो आपकी स्टडी है वो हम बाद में जब मेटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उस टाइम पर करेंगे कि ये क्या होते हैं, इनके टाइप क्या होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मेटेरियल देखना है। तो यहाँ पर जो आपको ये एल्यूमिनियम, कॉपर, टिन और जिंक वगैरह ये जो चीजें बताई जा रही हैं, स्टील और कास्ट आयरन बताया जा रहा है, ये एग्जांपल है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल है किसके, नॉन फेरस के। या फेरस की बात करें तो फेरस का एग्जांपल है स्टील और कास्ट आयरन। ठीक है, ये टाइप नहीं है, एग्जांपल है। इनकी डीप स्टडी हम बाद में आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। अब बात कर रहे थे हम नॉन मेटल की। नॉन मेटल में जैसा आपको पता है कि आयरन, कार्बन वगैरह तो होने ही नहीं है। ठीक है, ये आपके कुछ ऐसे मेटेरियल्स होते हैं जो आपके मेटल की तरह बिहेव नहीं करते हैं, यानी जिसमें कंडक्टिविटी नहीं होगी। मेटल में कंडक्टिविटी क्यों आ रही है वो भी हम अभी आगे इन फ्यूचर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वो भी आपको समझ में आएगा कि क्यों कंडक्टिविटी आती है, कैसे आती है। फिलहाल जो नॉन मेटल है वहां पर आपकी कंडक्टिविटी नहीं आ रही है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, दो टाइप में आपके जाते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। जब ऑर्गेनिक नॉन मेटल्स की बात हो रही है तो ऑर्गेनिक नॉन मेटल बेसिकली कौन से होते हैं, जिसमें आपका हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट हो। ठीक है, ऑर्गेनिक जिसमें हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट हो, जैसे वुड, पेपर, रबर, लेदर और प्लास्टिक, ये सारे हमारे इसमें सब में क्या होता है, हमारा हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो इनऑर्गेनिक हमारे हैं, इनऑर्गेनिक में हमारा हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, इनको बेसिकली हम क्रिएट करते हैं, इनको बनाते हैं, ये बेसिकली आपके सिंथेटिक मटेरियल आप कह सकते हो। ठीक है, आर्टिफिशियल मटेरियल कह सकते हो। ये जो आपके हैं ये कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनिक जो मटेरियल है ये सब आपके नेचुरल मटेरियल्स में जो चीजें अवेलेबल है उनसे आप तो नेचुरल जो आपको मिल रहा है। प्लास्टिक आपका आपको पता है दो टाइप की होती है, नेचुरल और सिंथेटिक, है ना। तो ऑर्गेनिक में आपका कौन से मटेरियल्स आ जाते हैं, बेसिकली जो आपके जिनमें हाइड्रोकार्बन अवेलेबल होता है, जबकि इनऑर्गेनिक कौन से होंगे, सीमेंट, ग्लास, सेरेमिक, ग्रेफाइट, जिसमें आपका हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मीन्स नाम से पता चल रहा है कि एक या एक से ज्यादा मेटेरियल्स को हमने क्या करा है, कंबाइन किया है। एक या एक से ज्यादा मेटेरियल को अगर आप जोड़ते हो तो वो कहलाते हैं कंबाइंड मेटेरियल कह सकते हो, या कॉम्बिनेशन ऑफ मेटेरियल्स आप कह सकते हो। अब यहां पर भी हमारे जो कॉम्बिनेशन है वो दो टाइप में जा सकता है, कंपोजिट और एलॉय। ठीक है, यानी जब आप बात कर रहे हो कंपोजिट मेटेरियल की, ठीक है, तो वहां पर दो या दो से ज्यादा हमारे जो मेटेरियल मिल रहे हैं वो किस तरह से मिलेंगे, या तो आपका नॉन मेटल है, दो नॉन मेटल आप मिला रहे हो, या ये भी हो सकता है एक मेटल और एक नॉन मेटल आपने मिलाया हो। ठीक है, उसके अंदर फिर आपके सब आपके आ जाते हैं। ठीक है, कि आप ऑर्गेनिक मिला रहे हैं या इनऑर्गेनिक मिला रहे हैं, या मेटल सॉरी फेरस मिला रहे हैं या नॉन फेरस मिला रहे हैं। ठीक है, लेकिन कंपोजिट मेटेरियल में क्या होगा, आपका मेटल और नॉन मेटल, या दोनों नॉन मेटल आपके होंगे, दोनों मेटल नहीं होंगे। यहां पर यह चीज आप याद रखिएगा, कंपोजिट मेटेरियल की जब आप बात कर रहे हैं तो कंपोजिट मेटेरियल में दोनों आपके जो कंपोनेंट है जिनको आप मिक्स कर रहे हैं वो दोनों मेटल नहीं होंगे, या तो नॉन मेटल होगा, दोनों नॉन मेटल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या एक आपका मेटल हो सकता है और एक आपका नॉन मेटल हो सकता है। इसमें भी फिर आपका नॉन मेटल में ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, वो आपके कहलाते हैं कंपोजिट मेटेरियल। जैसे ग्लास फाइबर आपका होता है, इपोक्सी आपका होता है। ठीक है, ये सब आपके एग्जांपल हैं कंपोजिट मेटेरियल के। ठीक है, इसके बाद एलॉय की अगर बात करें
तो एलॉय आपका होगा अगर आपके दो मेटल मिक्स कर रहे थे। यहां पर ये चीज बहुत बारीकी से ध्यान रखना, कंपोजिट मेटेरियल और एलॉय में क्या अंतर है। कंपोजिट मेटेरियल में आपके नॉन मेटल मिक्स होंगे या एक मेटल और एक नॉन मेटल आपका मिक्स हो सकता है, जबकि एलॉय में सिर्फ और सिर्फ आपके दो मेटल मिक्स होंगे। ठीक है, नॉन मेटल में, ठीक है, एलॉय में आपके क्या होंगे, दो मेटल मिक्स होंगे, और वो भी किस तरह से होंगे। इसमें भी फिर एलॉय में दो टाइप होते हैं, फेरस एलॉय और नॉन फेरस एलॉय। यानी अगर आपने दो फेरस मेटेरियल को मिक्स किया है तो वो आपका क्या कहलाएगा, फेरस एलॉय कहलाएगा। अगर आपने नॉन फेरस मेटेरियल मिक्स करे हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, नॉन फेरस एलॉय। ठीक है, यहां पर आपको ये चीज बहुत इससे ध्यान रखना है कि आपका जो नॉन फेरस एलॉय है या फेरस एलॉय है उनमें दोनों में मिक्स आप नहीं करते हो। ठीक है, अलग अलग आप करेंगे, फेरस मेटेरियल मिला रहे हो तो फेरस एलॉय, और नॉन फेरस अगर आप मिला रहे हो तो नॉन फेरस एलॉय। ठीक है, क्लासिफिकेशन उम्मीद है आपको समझ में आया।